गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट होम, स्टे सेफ, इट इज वी आर डूइंग लेसन नंबर 6। रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नंबर 5। वी हैव ऑलरेडी डन विद द लेसन नंबर 5। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल स्टार्ट द लेसन नंबर 6, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। तो इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 भी कहा गया बेटे। आपको पता है 1991 से पहले इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई हुई थी, जिसके काफी दुष्परिणाम भारत को देखने पर सहन करने पड़े, क्योंकि आपकी पॉलिसी खराब हो चुकी थी, आपकी गवर्नमेंट की मोनोपोली क्रिएट हो गई थी, आपकी कंपनियों ने कोई इनोवेशन नहीं किया, कोई अपग्रेडेशन नहीं किया अपनी टेक्नोलॉजी का, जिसके कारण जो आपके कस्टमर्स हैं उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो इंडिया एक क्राइसिस में फंसा हुआ था, एक मुसीबत में फंसा हुआ था 1991 से पहले। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया हुआ था, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक भी हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा था और इंडियन इकोनॉमी भी एक डल इकोनॉमी, डाउन इकोनॉमी बनती जा रही थी, ठीक है, एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनती जा रही थी, इन्फ्लेशन बहुत हाई होती जा रहा था, ठीक है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है आपको पता है कस्टमर का एक्सप्लोटेशन होता है, शोषण होता है इन्फ्लेशन की वजह से, जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां पुअर लोग ज्यादा रहते हैं, अमीर लोग कम रहते हैं। तो पुअर लोगों के लिए जो मटेरियल होते हैं, थिंग्स होती है, प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें अफोर्ड करना पाना मुश्किल होता चला जाता है, जिसके कारण जो देश है वो क्राइसिस में फंसता चला जाता है। तो उस क्राइसिस से निकालने के लिए भारत ने क्या अपनाया, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई। अब देखिए व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर्स टू द सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ध्यान रखिएगा बेटे, सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ए सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट इज अडॉप्टेड टू एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म एक सेट ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक सेट ऑफ पॉलिसीज या सेट ऑफ रिफॉर्म्स होते हैं जो कोई भी कंट्री अडॉप्ट करता है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट यानी कि इंक्रीज करने के लिए। तो भारत की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी पीछे थी, भारत एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड नेशन था। तो भारत की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज करने के लिए हमने कुछ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाए, जिन्हें हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का नाम दिया। बेटे बुक में भी आपको बताया हुआ है भाई कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू सेट ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक कुछ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी होता है जो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए अपनाए जाते हैं बेटे, ठीक है। इन्होंने बताया कि भाई 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो भारत ने 1991 में एक सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की पूरी श्रृंखला अपना ली और उस श्रृंखला को बेटे एलपीजी नाम दिया गया था। यू नो वेरी वेल, आपको पता है उस श्रृंखला का क्या नाम था, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या नाम था, द एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। It is not a liquid petroleum gas. If you are a science student, you will call it as a liquid petroleum gas. But you are commerce students now, so you need to call it liberalization, privatization and the globalization. So India ने LPG policy को अपनाया था 1990s के क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। क्राइसिस का मतलब होता है मुसीबतें, मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ था भारतीय इकोनॉमी के ऊपर, भारतीय इकोनॉमी फंसी हुई थी बेटे मुसीबतों में। उस मुसीबतों से निकालने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। तो इन्होंने 1991 में ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया। इसी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाता है भारतीय इकोनॉमी में हमेशा, क्योंकि उन्होंने उस समय ये काफी बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए थे जिससे भारत उन मुसीबतों से पार पाया था और उन मुसीबतों से बाहर निकलकर आया था। तो बेटे 1990s की मुसीबतों से निकलने के लिए भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए थे बेटे, ठीक है। पहले होता क्या था आपको पता है, मैंने बता चुका, पहले आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी बेटे। तो अब उस लाइसेंस को रिप्लेस करके लिबरलाइजेशन लाया गया, ठीक है, लिबरलाइजेशन लाया
जा बेटे, फिर आपके लिए परमिट्स, ठीक है, फिर आपके लिए कोटास की जरूरत पड़ती थी, आपको कोटास लगाने पड़े थे, इसको कोटास को हटाकर प्राइवेटाइजेशन किया गया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्राइवेट कंपनियों को बेटे हमने सौंपा। उसके बाद परमिट लेनी पड़ती थी आपको विदेशों से वो करने के लिए, प्लेस ऑफ परमिट, परमिट की जगह हमने क्या अपनाया, ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए पहले था LQP, पहले जो पॉलिसी थी वो LQP यानी कि लाइसेंस कोटा परमिट, और अब जो पॉलिसी वो LPG यानी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, लिबरलाइज कर दिया गया, लिबरलाइज यानी फ्रीडम प्रोवाइड कराना। अब आपको कोटा रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सीधा प्राइवेट को ही दे दिया भाई सारी की सारी, तो प्राइवेट जितना चाहे उतना बना सकता है, कोई कोटा नहीं लगेगा। बाहर भेजने के लिए परमिट लेनी पड़ती थी, बट अब ग्लोबलाइजेशन फ्री ट्रेड आपको कर दिया गया, आप जितना चाहो उतना दूसरे देशों से क्या कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो बेटे। तो ये थी आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और ये थे इसके एलिमेंट, लिबरलाइजेशन पार्टाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम तीनों को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटे। देखिए बेटे, ये तीन एलिमेंट थे आपके इकोनॉमिक पॉलिसी के, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हम लिबरलाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं बेटे। लिबरलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं फ्रीडम प्रोवाइड कराना या स्वतंत्रता देना, स्वतंत्रता देना। अब इससे पहले क्या था, मैं आपको बता चुका हूँ 1991 से पहले गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, उनके ऊपर लाइसेंस लगाए हुए थे, उनके ऊपर कोटा फिक्स किए हुए थे, यानी उन्हें जकड़ा हुआ था बेटे, अननेसेसरी कंट्रोल, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाई हुई थी बेटे। और फिर अब 1991 में हुआ क्या, उनके ऊपर से अननेसेसरी कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया बेटे। अब आ रही है आपके पास लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन। सो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू, ठीक है, प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू द इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल या फिजिकल रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम प्रोवाइड कराना इंडस्ट्रीज को या प्राइवेट सेक्टर को, लिबरलाइजेशन कहलाता है। लिबरलाइजेशन यानी स्वतंत्रता देना बेटे, लिबरलाइज करना, उदारीकरण, उदारता देना आपको, आपको फ्रीडम देना, आपके ऊपर बेवजह कंट्रोल, बेवजह की रिस्ट्रिक्शन को हटा देना। तो ये होता है आपका लिबरलाइजेशन। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रीडम, ठीक है, फ्रॉम अननेसेसरी फ्रीडम एंड अननेसेसरी कंट्रोल अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम प्रोवाइड कराना लिबरलाइजेशन कहलाता है बेटे। ये होती है आपकी लिबरलाइजेशन। देखिए इन 1991 से पहले, प्रायर टू 1991, गवर्नमेंट ने इतने बेटे इम्पोज किया हुआ था लाइसेंसिंग प्रोसेस, लाइसेंस आपके लिए लगाए हुए थे, बेवजह के कोटाज आपके लिए फिक्स किए हुए थे बेटे, ठीक है, टैरिफ में कोई छूट नहीं थी, हाई डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया, हाई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको अपनाना पड़ता था बेटे, ठीक है, 1991 से पहले। तो ये सारे के सारे जिम्मेदार थे बेटे भारत को एक बैकवर्ड इकोनॉमी बनाने में। तो इन्होंने बताया हुआ है कि प्रायर टू 1991 से पहले द गवर्नमेंट हैज इम्पोज सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल टू प्राइवेट एंटरप्राइज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो मैं ये पहले बता चुका हूँ कि भाई प्राइवेट एंटरप्राइज पर बहुत बेवजह की कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए हुए थे, ठीक है, दीज इंक्लूड लाइसेंस था बेटे, प्राइस कंट्रोल, प्राइस वो खुद निर्धारित नहीं करते थे, गवर्नमेंट से उन्हें परमिशन लेना था अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए बेटे, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ गुड्स, गुड्स के ऊपर बेटे फाइनेंशियली कंट्रोल लगाया हुआ था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लाइसेंस फैसिलिटीज बेटे, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल लगाए हुए थे, रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेस कहीं अपने आप को एक्सपेंड ना कर ले बेटे, इसलिए उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। आपको पता है बिग बिजनेस हाउस पर ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ताकि इकोनॉमिक सेंटर जो होता है, ठीक है, इकोनॉमिक वेल्थ होती है, उसका कंसंट्रेशन कुछ हाथों में ना चला जाए, ठीक है, इसीलिए बिग बिजनेस हाउस को कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि ये बिग बिजनेस हाउस अगर फैल जाते बेटे तो पूरे देश का कंट्रोल कुछ ही लोगों में चला जाता। जैसे आज अगर आप कहो कि अंबानी बैठ के सरकार को चलाते हैं तो ये गलत नहीं होगा बेटे, ठीक है, अंबानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है आज भारत में और पूरे वर्ल्ड में छठे नंबर पर है वो सबसे रिच पीपल के टर्म्स में, तो बेटा वो बहुत अरबपति करोड़पति पता नहीं कितने पैसा उसके पास, तो भारत को चला सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस समय पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई ताकि जो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ है वो बेटे लैप्स ना हो जाए। तो आपने देखा कि 1991 बेवजह के लाइसेंस, बेवजह के रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट कोटाज, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस लगाए हुए थे, जिसके कारण इकोनॉमी काफी क्राइसिस में फंसी हुई थी। सेकंड पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट हैज एक्सपीरियंस दैट, गवर्नमेंट ने एक्सपीरियंस किया बेटे ड्यू टू दीज
controls, due to these controls, there is shortcomings arise in the economy. Shortcomings मतलब होता है कमियां. तो government ने बेटे realize किया कि इन रिस्ट्रिक्शन के चलते जो भारत की इकोनॉमी है उसमें काफी कमी आ गई है, काफी कमियां, काफी बेटे लिमिटेशन खलने लगी है इन कंट्रोल के चलते. तो बहुत सारी कमी भारत के अंदर आ चुकी थी बेटे. इन कमी के चलते देखिए, लाइसेंस के चलते करप्शन, इन एफिशिएंसी, डिलेज, बेवजह की देरी, ये सब चीजें होने लगी थी बेटे. क्योंकि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर को अगर किसी चीज के लिए लाइसेंस लेना है तो वो जाएगा भाई, ठीक है, अपना काम जल्दी कराने के लिए रिश्वत देगा बेटे. अगर बेवजह लेट हो रहा है, उसकी फाइल पे फाइल आगे बढ़े जा रही है, तो भाई उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि रिश्वत दे के अपने फाइल को पास करा जाए जल्द से जल्द. तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये बेवजह के रिस्ट्रिक्शन के कारण इकोनॉमी के अंदर बेवजह का करप्शन, इनएफिशिएंसी, डिले वो फैलता जा रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी बेटे डेवलप ही नहीं हो पा रही, ग्रो ही नहीं हो पा रही. तो ये बहुत कमियां निकल निकल कर आ रही थी इन रिस्ट्रिक्शन, इन कंट्रोल के चलते. और फोर्थ पॉइंट है द ग्रोथ रेट हैज बीन शार्पली फॉलन. जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो लगातार गिरती जा रही थी. जो जीडीपी ग्रोथ रेट हैज फॉलन शार्पली, लगातार हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो घटती जा रही थी. और भारत एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनता जा रहा था बेटे. एक होता है लो कॉस्ट इकोनॉमी जो कि चाइना है, एक होता है हाई कॉस्ट इकोनॉमी जहां हर चीज की कॉस्ट बहुत हाई हो. तो इंडियन इकोनॉमी एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनता जा रहा था. इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि जो गरीब लोग थे वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे दो टाइम का खाना. तो बहुत ज्यादा कमियां आने लग गई थी बेटे इन रिस्ट्रिक्शन के कारण, इन कंट्रोल के कारण. तब जाकर भारत ने क्या किया, लिबरलाइजेशन को अपनाया, इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट पीपल को फ्री किया फ्रॉम अनएक्सेसरी कंट्रोल एंड अनएक्सेसरी रिस्ट्रिक्शन से बेटे, जिसे हमने नाम दिया लिबरलाइजेशन का. सो इन द व्यू ऑफ फैक्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वॉज कंसिडर्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो इन सभी रिस्ट्रिक्शन, इन सभी कंट्रोल को देखते हुए लिबरलाइजेशन एकमात्र जरिया था ताकि इंडस्ट्री को फ्रीडम प्रोवाइड की जा सके और कंपेटिटिव बनाया जा सके. अदरवाइज तो गवर्नमेंट की मोनोपोली प्रिवेल हो चुकी थी. ग्रेटर रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस. अब हमने मार्केट फोर्सेस के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी थी. आपको पता है मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई बेटे. गवर्नमेंट अब डायरेक्ट एंट्री नहीं करेगी, डिमांड एंड सप्लाई से सारा सिस्टम होगा. एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज थे बेटे, दे हैड अचीव रैपिड ग्रोथ ड्यू टू लिबरलाइजेशन. इन देशों ने भी लिबरलाइजेशन अपनाया था जिसके चलते आज ये डेवलप नेशन बन चुके हैं. थाईलैंड देखिए, सिंगापुर, ये डेवलप नेशन है आज के समय, बट भारत अभी तक डेवलप नहीं हो पाया. फिर भारत की जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देता है बेटे. तो ये था आपका लिबरलाइजेशन. देखिए बेटे, अभी अभी हमने पढ़ा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है. मैंने आपको बताया कि लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट ने जो अनएक्सेसरी रिस्ट्रिक्शन या अनएक्सेसरी कंट्रोल लगाए हुए हैं उनसे फ्रीडम प्रोवाइड करा दी जाती है. अब देखिए लिबरलाइजेशन के अंडर कौन कौन सा रिफॉर्म गवर्नमेंट ने अपनाया. सबसे पहले था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. इंडस्ट्रीज की बूस्ट के लिए हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म अपनाए. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर में आपको पता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, तो बैंकिंग में भी काफी कमियां थी जिसे दूर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा. फिस्कल रिफॉर्म बेटे, फिस्कल यानी गवर्नमेंट की रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड पॉलिसी, उसमें भी रिफॉर्म किए गए. और था एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म. एक्सटर्नल का मतलब होता है बेटे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इम्प्रूव किया जिससे कि हम बाकी देशों के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन बना सके बेटे. देखिए अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, कि हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म अपनाए बेटे. तो सबसे पहला है एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस. एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस. तो आपको पता है सब पहले 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर को कुछ भी काम जो करना होता था, एनीथिंग और कुछ भी, एनीथिंग जो करना होता था उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था उसके लिए बेटे. छोटे से छोटे काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था. तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, इस लाइसेंस सिस्टम को एबोलिश किया. एबोलिश मतलब खत्म करना, समाप्त कर देना, ठीक है, समाप्त कर देना बेटे. तो सबसे पहले हमने इस लाइसेंस सिस्टम को समाप्त किया क्योंकि एक बड़ी रिक्वायर्ड बना हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए या उसकी बूस्ट के लिए बेटे. तो हमने पहले लाइसेंस को खत्म किया और कुछ ही एरियाज में हमने लाइसेंस को रखा बेटे, ठीक है,
है, तो कुछ एरियाज में हमने लाइसेंस को रखा, बाकी सब में लाइसेंस फ्री कर दिया। अब वो कुछ एरिया कौन से थे जिसमें हमने लाइसेंस रखा? सबसे पहला था लीकर बेटे। लीकर आपको पता है शराब वगैरह, दारू वगैरह, ठीक है, इसमें हम बेटे फ्रीडम नहीं दे सकते, उसे हमें रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। आज भी अगर आपको दारू की ठेका या दारू की दुकान खोलनी होती है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। बिना लाइसेंस के अगर आप ये काम करते हैं तो इलीगल, अवैध माना जाता है। तो सबसे पहले था लीकर, फिर था बेटे सिगरेट। सिगरेट का व्यापार आपको अगर करना है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप नहीं कर सकते। डिफेंस इक्विपमेंट, बेटे डिफेंस में तो हम कभी भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कर ही नहीं दे सकते। डिफेंस की बात है भाई, देश की रक्षा की बात है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को अगर आपने सौंप दिया तो हो सकता है वो प्रॉफिट के लिए आपके सीक्रेट बेच दे। आपने जो अपनी आर्मी के सीक्रेट बनाए हुए हैं, जो देश के सीक्रेट है, वो उन्हें बेच दे। तो डिफेंस में तो कभी भी कोई भी देश, अमेरिका भी अपना जो डिफेंस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कभी नहीं सौंपता, अपने हाथ में रखता है बेटे। तो डिफेंस में तो कोई सोचने की जरिया ही नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर को कभी ट्रांसफर किया जाएगा, नेवर एवर, कभी नहीं किया जाएगा। तो डिफेंस में बेटे ठीक है, अपने हाथ में रखा गवर्नमेंट ने, लाइसेंस की जरूरत थी बेटे डिफेंस के लिए। फिर था इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, एक्सप्लोड बम फूटने वाली जो चीजें होती है, तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव अगर आपको बनाने हैं, ज्वलनशील पदार्थ आपको अगर बनाने हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हानिकारक हो सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। भोपाल में आज भी अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो आज भी बहुत ज्यादा मतलब कैंसर वगैरह पीड़ित हो जाते हैं, उनके जो अंग होते हैं शरीर के वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि गैस ट्रेजेडी हुई थी, बहुत खराब थी वो। फिर है ठीक है डेंजरस केमिकल। केमिकल अगर आप बनाओ तो भी, तो बेटे इन पांच इंडस्ट्रीज को छोड़ के सभी इंडस्ट्री को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। ये पांच तो देखिए आपको भी लगता होगा कि भाई काफी यू नो डेंजरस इंडस्ट्री है, तो इसमें लाइसेंस, जिसमें था लीकर, सिगरेट, डिफेंस, एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट्स और केमिकल, डेंजरस केमिकल, तो इनमें लाइसेंस की जरूरत थी, बाकी सबको लाइसेंस फ्री कर दिया गया बेटे। सेकेंड है कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है संकुचन, सिकुड़ना या कम करना किसी के साइज को, तो कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साइज को कम किया। पहले जो 17 इंडस्ट्रियल रिजर्व थी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, अब उन 17 इंडस्ट्रीज के साइज को घटाकर केवल 8 किया गया, केवल 8 किया गया, और 2010 और 11 में उस 8 से भी केवल 2 कर दिए गए। अब प्रेजेंटली केवल 2 इंडस्ट्रियां हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में बैठे, वो है एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु शक्ति, और सेकेंड है रेलवे। और रेलवे का एग्जाम्पल तो आपके पास है ही, रेलवे का भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। रेलवे भी अब प्योर गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है। आईआरसीटीसी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने गवर्नमेंट के शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है भाई कि गवर्नमेंट के साइज को छोटा किया गया, 1991 में 17 इंडस्ट्री से घटाकर 8 किया गया, और 2010 और 11 में उस 8 को घटाकर 2 किया गया, केवल एटॉमिक एनर्जी और रेलवे सेक्टर, ठीक है बेटे। आगे है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। पहले जो प्रोडक्शन एरिया गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व थे, ठीक है, अब उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए दे दिया गया, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। पहले तो भाई गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू उन इंडस्ट्रियल एरियाज को रिजर्व कर दिया था केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, लेकिन 1991 के बाद, ठीक है, उस प्रोसेस को डिमांड सप्लाई पर छोड़ दिया गया भाई, ठीक है। जिनके पास पैसा है वो आप आइए और अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को। तो इन्होंने बताया हुआ है कि भाई मैनी प्रोडक्शन एरिया विच वर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे बेटे, नाउ दे वर अलाउड टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू मार्केट फोर्सेस। अब उन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया। जिन लोगों के पास पैसा है आइए इंडस्ट्री लगाइए और कमाइए। गवर्नमेंट ने अपना रिजर्वेशन हटा लिया था वहां से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से अपना रिजर्वेशन हटा लिया था बेटे, ठीक है। तो ये काम इन्होंने किया। फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो आपको पता है पहले अगर आपको अपने बिजनेस का विस्तार करना होता था, एक्सपेंशन करना होता था, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत है। आपको किसी दूसरे के साथ मर्ज करना होता था, दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करना होता था, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत है। आपको नए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत थी। तो वो एरा 1991 से पहले का जो एरा था या समय था, वो ऐसा एरिया था टू डूइंग एनी थिंग
कुछ भी काम आप कर लो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन 1991 में हमने क्या किया, अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है, मर्ज होना चाहती है, तो वो हो सकती है। अब उसे इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, अब वो फ्रीली विद फ्रीडम किसी भी कंपनी के साथ मर्ज हो सकती थी। तो इन्होंने बताया कि भाई अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंस, कि प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइसेंस से लिंक थी, आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी थी तो गवर्नमेंट से फर्दर लाइसेंस लेना पड़ता था। नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंस हैज इंप्लाइड टू द फ्रीडम कंस्ट्रेंट, बेटे अब आपको फ्रीडम दे दी गई है कि आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो इजिली। What to produce, how to produce, and for whom to produce is depend on the market condition and producer's choice. पहले गवर्नमेंट खुद बताती थी कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, बट आफ्टर 1991 रिफॉर्म गवर्नमेंट ने आपको फ्रीडम दे दी कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपको हाथ में आप क्या प्रोड्यूस करना चाहो, कैसे प्रोड्यूस करना चाहो, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहो, ये आपके हाथ में है। यानी गवर्नमेंट ने बेटे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको कंप्लीट फ्रीडम प्रोवाइड करा दी थी। और फिफ्थ है फ्रीडम फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, फिफ्थ पॉइंट था फ्रीडम फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो पहले जो कैपिटल गुड्स में आपको पता है क्या आता है, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, कैपिटल इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, हैवी मशीनें हो गई आपकी, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गई, ये सारे आते हैं। तो पहले हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व रखने के लिए क्या करते थे, ठीक है, क्या करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो फिर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट फिर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाती थी, कोटास पुट कर देती थी, जिसके कारण इंपोर्ट करना काफी मुश्किल हो जाता था, वेरी डिफिकल्ट हो जाता था। बट आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी के बाद इंपोर्ट करना हमारे लिए काफी इजी हो गया, अब हम कैपिटल गुड्स, मशीनें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो चाहे उसका इंपोर्ट कर सकते थे, गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं लगाया हुआ था, हमें फ्री कर दिया था। तो इन्होंने बताया हुआ है बेटे कि लिबरलाइजेशन आल्सो इंप्लाइज फ्रीडम फॉर इंडस्ट्रियल टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद ए व्यू टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। तो अगर बेटे भारतीय कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, जिसके लिए उन्हें लेटेस्ट मशीन चाहिए, लेटेस्ट आधुनिकरण मॉडर्नाइज्ड मशीनों की आवश्यकता है, दे कैन इजीली इंपोर्ट नाउ, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटे तो अगर आपको किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना है या उसके साथ कोई एग्रीमेंट करना है, तो उसके लिए अब गवर्नमेंट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 1991 से पहले अगर आपको किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना होता था, किसी कंपनी से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना होता था, तो गवर्नमेंट से कंप्लीट आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। बट नाउ अब गवर्नमेंट ने आपको कैपिटल गुड्स हो गए, जो हैवी गुड्स हो गए, इलेक्ट्रिकल मशीनें हो गई, उसे अब आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने आपको फ्री कर दिया था बेटे। थैंक यू वेरी मच।